हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है गूगल पिक्सल 3A के बारे में। तो दोस्तों, जो गूगल पिक्सल 3A हाल ही में लॉन्च हुआ है और स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। अगर दोस्तों बात करें तो अच्छा इसलिए क्योंकि कैमरा वाइज अच्छा है, कैमरा जो उसका है अच्छा है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें जो भी है वो बहुत ही ख़राब है। जैसे कि अगर हम प्राइस की बात करें तो 34,000 में आपको अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने स्मार्टफोन की प्राइस इतनी एग्रेसिव रखी है, मतलब कि इतनी हाई रखी है कि हर कुछ वाली, जैसे कि 40,000 के अंदर स्मार्टफोन आपको मिल रहा है जो कि आपको 4 GB रैम आई थिंक दे रहा है, और दोस्तों आपको जो प्रोसेसर है वो 670 है। अगर हम दोस्तों बात करें 670 प्रोसेसर की, तो दोस्तों जो 670 प्रोसेसर आपको आज की डेट में जो 10,000 के स्मार्टफोन होता है उसमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात ये है कि ऑप्टिमाइजेशन उसकी किस टाइप से हुई वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों फिर भी जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ख़राब प्रोसेसर दिया है। अगर दोस्तों आपको कैमरा और सिर्फ डिज़ाइन के लिए फ़ोन लेना है तो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हैं। बाकी इस स्मार्टफोन के बजाय आप जो वन प्लस के स्मार्टफोन है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों जो गूगल ने इस स्मार्टफोन को अपना बजट रेंज स्मार्टफोन का है, लेकिन दोस्तों अगर आप बजट रेंज स्मार्टफोन देखें जैसे कि आईफोन का बजट रेंज स्मार्टफोन XR और दोस्तों गूगल पिक्सल 3A, तो दोस्तों जो दोनों की प्राइस बहुत हाई है, जैसे कि फ्लैगशिप किलर से भी हाई प्राइस है। और दोस्तों जो अगर आप बात करें कॉम्पिटिशन की, जैसे कि अगर एप्पल से कंपटीशन करे गूगल की कंपनी जो मतलब कि फ़ोन नहीं है ये तो दोस्तों अगर आप बात कर रहे हो तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों जो गूगल है वो एंड्रॉयड के मार्केट वाला है और जो iOS का है वो एप्पल है। तो दोस्तों जो एप्पल है, अगर आप बात कर रहे हो कि एप्पल के स्मार्टफोन में प्रोसेसर अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि प्रोसेसर अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों जो गूगल के स्मार्टफोन का प्रोसेसर बहुत ही ख़राब है। इससे अच्छा प्रोसेसर आपको फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। आप 10,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन ले सकते हो, उसमें आपको इस टाइप के प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहीं पर हद नहीं हुई है, हद आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन या फिर फेस अनलॉक सेंसर आप बात कर रहे हो तो उसमें आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने फेस अनलॉक का ही ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब कि सेंसर ही नहीं दिया है। अब दोस्तों 40,000 के अंदर, दोस्तों आज की डेट में जो 10,000 के अंदर आप जानते हैं कि रेडमी नोट 7 जो स्मार्टफोन है उसमें भी आपको फेस रिकॉग्निशन देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप अब बात कर रहे हो कि इस टाइप के स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में चलेगा या फिर नहीं, स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के लिए कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि इंडियन मार्केट में पहले भी दो कंपनीज राज कर चुकी है, ओप्पो और वीवो। और ओप्पो और वीवो को जैसे कि कंपनीज जो है वो काफ़ी मतलब कि कंपटीशन देती थी, जैसे कि अगर आप कैमरा वाइज करें। और दोस्तों अगर आप बात करें जैसे कि गूगल पिक्सल में भी आपको कैमरा वाइज ही कंपटीशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता ये। लेकिन दोस्तों गूगल पिक्सल की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो है जो आपको अपडेट्स आते रहेंगे, एंड्रॉयड अपडेट्स बहुत टाइम टू टाइम आते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉयड ऐप मतलब कि उसके लिए एंड्रॉयड अपडेट्स के लिए अगर आप इस टाइप का स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो काफ़ी बड़ी भूल हो सकती है किसी भी जो यूज़र, अगर आप कोई भी इसको खरीदने की सोच रहे हो, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के स्मार्टफोन्स आपको अगर हल्का सा प्राइस कम, जैसे कि 27,000 भी काफ़ी सही प्राइस था इस स्मार्टफोन के लिए, 27,000 या फिर 25,000, अगर 25,000 होता तो पर्सनली कई जो यूट्यूबर्स हैं उनको अच्छा लगता है स्मार्टफोन, क्योंकि कैमरा स्मार्टफोन की काफ़ी खासियत बात है और इसकी तरह कैमरा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों जो गूगल पिक्सल 3 का कैमरा सेम टू सेम उसी टाइप का कैमरा इसमें लगाया गया है। और दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर की, जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था इसमें 670 प्रोसेसर है और दोस्तों उसमें 845 प्रोसेसर है। तो दोस्तों जो प्रोसेसिंग इमेज प्रोसेसिंग होगी वो किस टाइप की होगी वो भी देखने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस टाइप की इमेज प्रोसेसिंग होती है। दोस्तों अगर बात की जाए बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ स्मार्टफोन की थोड़ी एवरेज है, क्योंकि दोस्तों 5.6 इंच स्मार्टफोन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 mAh बैटरी मिल रही है। दोस्तों ये एक एवरेज टाइप की बैटरी है, आप मतलब कि फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं इस बैटरी को, लेकिन फिर भी इश्यू तो बैटरी का रहेगा कि इतनी कम स्टोरेज वाली बैटरी। दोस्तों अगर बैटरी थोड़ी सी भी मतलब
की पावरफुल होती है, फिर थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बी टेक, और दोस्तों स्मार्टफोन से दूर रहना। दोस्तों अगर आपको मेरा ये ओपिनियन स्मार्टफोन के बारे में अच्छा लगा तो आप इस टाइप की स्मार्टफोन की वीडियोस मेरे चैनल पे और भी देख सकते हो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।